When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. आज हम लज़ारस आइलैंड आए हुए हैं और सामने सी है हमारे और इतना खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ हम एंजॉय करने वाले हैं। समुंदर में जा रही हूँ, बहुत टाइम बाद पहले बार गई थी मैं पांडिचेरी में, समुंदर ज़्यादा नहीं देखा। पांडिचेरी गई थी, वहाँ बहुत सारे बीचेस में गई, उसके बाद अब सीधा सिंगापुर में आई। सामने दीदी समुंदर में उतरती हुई दीदी, देखो पानी में चले गए तो नहीं जाते, पानी नहीं आता। आ तो रहे नहीं आता दीदी, दिख रहा हूँ। वापस नहीं आ पाएंगे, कहाँ जीती गोडे तक, बस गोडे तक। अच्छा भाई ये ना ऐसा पेड़ देखता आगे नहीं देखता। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. देखिए फ्रेंड आइलैंड में हमको क्या मिला है। ये देखो पेड़ पे एक बेले लगी थी और बेलों पे ये लगा था, ये हम आइलैंड में, और हमको ये मिला। और जब ये पक जाता है तो ये ऐसा हो जाता है, ये चीर जाती थी मेरे पे। और ये मैंने खा के देखा तो थोड़ा थोड़ा मीठा था। सर्च करके बताना कौन सा फ्रूट है ये, क्या ये परमल सब्जी जो होती है उसकी शॉर्ट, ये उसका छोटा वाला जो होता है टिडली, ये वो है या कुछ और है, हमें समझ नहीं। मीठी है पकने के बाद, जो बताएगा हमको इसका नाम उसको इनाम दिया जाएगा कोरियर द्वारा। देखो कितना सुंदर पेड़ पे फ्लावर लगा हुआ है। ये देखो पेड़ पे क्या फल लगा हुआ है, कोई फ्रूट लगा हुआ है अनार की तरह, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या लगा हुआ है। आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, फ़ोटो ज़्यादा नहीं क्लिक करी, वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन इन्जॉय किया। और हम चल पड़े हैं वापस अपने घर। हमको यहाँ से फेरी लेनी है और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी कि हमको शेल्टर में रुकना पड़ा, बहुत सारे लोग शेल्टर में रुके हुए थे,
मैंने फ़ोटो तो नहीं बनाई क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। तो बस हम फिर वहाँ से चल पड़े, हल्की हल्की बारिश होती रही और हम चलते रहे और फेरी की तरफ। हमको क्योंकि लेट हो जाते तो हमारी फेरी निकल जाती, तो हम हल्की हल्की बारिश में ही आगे निकल रहे थे ताकि फेरी हमारी छूटे ना। तो लो जी, फेरी हमारी वेट कर रही थी और हमको यहाँ से फेरी पे चढ़ना था। तो हम फेरी के अंदर आ गए, बहुत खूबसूरत सी और बहुत बड़ी सारी फेरी थी। और यहाँ से बाहर का हम लोग देख रहे थे, बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और समुंदर में देख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए आप इस समुंदर के नज़ारे लीजिए हमारे साथ। तो लीजिए जनाब, हमारा फेरी से उतरने का समय आ गया है, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और हम वापस अपना घर जाएंगे। यहाँ से हमको मेट्रो लेनी है और मेट्रो लेने के बाद ही हम घर पहुँचेंगे। तो हम सुबह के निकले हुए हैं और हमने आइलैंड में बहुत इंजॉय किया, मस्ती मारी, समुंदर में हम लोग उतरे और खूब इंजॉय किया। तो हम बहुत थक चुके हैं, अब घर जाएंगे, आराम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लव यू।